वहीं नीट पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले को लेकर भोपाल में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई आज सड़कों पर उतरी। एनएसयूआई ने भोपाल में सीएम हाउस के घेराव के लिए मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया। पुलिसिया लाठीचार्ज में एनएसयूआई नेता आशुतोष चौकसी गंभीर रूप से घायल भी हो गए। एनएसयूआई के प्रदर्शन पर पानी की बौछार, पुलिस ने कर दिया आंसू गैस का इस्तेमाल, भोपाल में हो गया भारी बवाल। हजारों की तादाद में एनएसयूआई के दफ्तर पर जमा हुए कार्यकर्ताओं का हुजूम निकला तो था सीएम हाउस को घेरने, लेकिन पुलिस ने भी जैसे तय कर लिया था कि इन्हें किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने नहीं देना। यही वजह है कि जगह जगह पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए। नारेबाजी करता हुआ एनएसयूआई का कारवा जैसे ही आगे बढ़ा, पुलिस ने उसका रास्ता रोक दिया। लेकिन जब एनएसयूआई का जुनूनी जत्था बैरिकेड को भी बेमानी बनाने लगा, पुलिस ने अपनी ताकत दिखा दी। पहले पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और फिर बिना देरी किए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए। भोपाल में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का यहां प्रदर्शन देख सकते हैं तस्वीरों में। यहां सीएम हाउस की तरफ कूच करते हुए एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता यहां नजर आ रहे हैं। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। सीएम हाउस की तरफ कूच करते हुए इन कार्यकर्ताओं को पुलिस यहाँ पर बैरिकेड लगाकर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ रोकने की कोशिश कर रही है। ये देखिए तस्वीरें हैं आप यहाँ पर। मुद्दा है नर्सिंग कॉलेज घोटाला, नीट मामला, ये तमाम मामले हैं जिनको लेकर प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं आप एनएसयूआई के कार्यकर्ता। नीट पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला और अग्निवीर योजना और छात्र संघ चुनाव में हो रही लेट लतीफी के खिलाफ एनएसयूआई के इस जंगी प्रदर्शन में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता विपक्ष उमंग सिंघार, कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी समेत कई कांग्रेसी दिग्गज भी शामिल हुए। यही वजह है कि पुलिसिया सख्ती के बावजूद एनएसयूआई का हौसला नहीं। बैरिकेड, वाटर कैनन और आंसू गैस के इस्तेमाल के जरिए पुलिस ने भले ही कांग्रेसियों को सीएम हाउस नहीं जाने दिया, लेकिन वो सड़क पर ही बैठ गए। हालांकि पुलिस को ये बात भी नागवार गुजरा और उन्होंने कई कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिसिया बल प्रयोग में मध्य प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष आशुतोष चौक से घायल हो गए। प्रदेश का ये मैसेज है आज के बल प्रयोग का, लाठीचार्ज का, आंसू गैस का। ये प्रदेशवासियों, आप इनको वोट दो, बीजेपी को वोट दिया, ये आपके बच्चों के गले को घोंट देंगे, भविष्य के गले को घोंट देंगे। नीट की एग्जाम हुई, नर्सिंग की एग्जाम हुई, पुलिस भर्ती की, व्यापम की हुई, कोई ऐसी एग्जाम जिसमें पेपर लीक नहीं होता हो, कोई ऐसा भर्ती जिसमें बीजेपी आरएसएस के लोगों को घुसेड़ने की तरकीब न सोची जाती हो। प्रदेशवासियों, आप इनको वोट दो, ये आपके बच्चों का भविष्य का गला रौंद देंगे, बस इतना ध्यान रखो। ये लगातार कल हम FIR लिखाने कांग्रेस पार्टी जाएगी मुख्य अभियुक्त के खिलाफ, और परसों नरेला में 18 तारीख को पदयात्रा करेगी।
एनएसयूआई नेताओं का कहना है कि एनएसयूआई नर्सिंग घोटाले को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। इसके लिए संगठन ने सूबे में 25 प्रभारियों की नियुक्ति की है। एनएसयूआई के मुताबिक जिस तरीके से सरकार ने पुलिस के जरिए प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करवाया है, जो नेट दिल्ली में इतना बड़ा घपला हुआ, उसके चेयरपर्सन है जोशी जी, उनका इस्तीफा मोदी जी ने नहीं लिया। मैसेज क्या था कि उनके संरक्षण में ये सब चल रहा है। यही पीएससी में थे, यही छत्तीसगढ़ पीएससी में थे, यही उसके बीच में यूपीएससी में थे, तो जहाँ गए वहाँ घपले और घोटाले की फेरिस्त आई। बीजेपी ने इनको संरक्षित किया। बीजेपी का विचार मध्य प्रदेश के जनता को ये मैसेज दे रहा है कि आप हमें वोट दो, हम आपके बच्चों के भविष्य का गला घोट दें। उससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार नर्सिंग माफियाओं के साथ खड़ी। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज 24।